जितने कितने अंतर है भक्ति और अभक्ति। तो भगवोन्मुखी बुद्धि, बुद्धि भगवान को ही विषय करे, इसी को भगवान ने क्या कहा, बुद्धि योग, बुद्धि के साथ मेरे से जुड़ जाओ, बस सब हो जाए। भगवान ने बार बार कहा मई अर्पित मनो बुद्धि, अर्पित कर दो भगवान मन बुद्धि, ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर दो, तो बुद्धि को भगवान के साथ जोड़, भगवान के साथ बुद्धि जुड़ गई तो सारा बुद्धि का परिवार सब उधर हो जाएगा। ये मातृप्रधान संस्थान, मातृप्रधान संस्थान। हमने देखा है कि जो स्त्री पति परायणा होती है उसके बच्चे पिता में बड़ी आस्था, जो स्त्री पति परायणा नहीं होती उसके बच्चे पिता को बिल्कुल आदर नहीं होते। मैंने देखा, खुद देखा, एक नहीं सैकड़ों घरों में देखा। ये हमारा बिल्कुल परम माना हुआ सत्य है, जाना हुआ सत्य है, हमने सैकड़ों घरों में देखा है अपने इस 40 साल के जीवन में, समाज में घूमते 40 वर्ष हो गया, कोई एक नहीं होता। और इसमें मैंने देखा है कि जो परिवार में मैंने देखा है, जो स्त्री पति परायणा है उसके बच्चे पिता का आदर करते हैं, पिता की बात मानते हैं, पिता का आदर करते हैं, पिता ने जो कह दिया उसके सिर पर आरोप करते हैं। और जो स्त्री पति परायणा नहीं है उसके बच्चे पिता को कोई आदर नहीं देते। एक नहीं सैकड़ों परिवार मेरे साथ सहज वृत्ति, और यह सांख का सिद्धांत है कि बुद्धि यदि आत्मपरायण है तो अहम मान इंद्रियां सब परमात्मा के परायण हो जाए, और यदि बुद्धि आत्मपरायण नहीं है तो ये कोई परमात्मा को नहीं मानता, कोई परमात्मा के साथ नहीं होता, सब सुखद अपने घर से शुरू कर दो, अंदर से। इसका सरल बात क्या है कि बुद्धि प्रभु परायण, बस ये तो रिफ्लेक्शन है, संसार में जो व्यवहार है रिफ्लेक्शन बात है, यथार्थ तो अंदर का है। बुद्धि प्रभु परायण, बुद्धि से भगवान को ही सोचो, भगवान को ही चिंतन करो, भगवान को ही सर्वत्र दर्शन करो, सारी विभूति भगवान को बुद्धि समझेगी और कोई नहीं समझेगा, ज्ञानियों क्या पता है। इसलिए बुद्धि हमेशा प्रभु परायण, इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि प्रभु प्राण है तो ज्ञान प्रभु प्राण हो जाएगा, कर्म प्रभु प्राण हो जाएगा, भाव प्रभु प्राण हो जाएगा, सब प्रभु प्राण हो जाएगा, इंद्रिया प्रभु के लिए काम करेंगी, सब कुछ वही हो जाएगा, सारी दुनिया ईश्वरमय हो जाएगी, सब सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। हिमा भी आ जाएगा, सप्तम भी आ जाएगा, दम भी आ जाएगा, सब भी आ जाएगा। और यदि बुद्धि प्रभु परायण नहीं है तो ये कुछ नहीं है, सब। अब सुखम दुखम भवो भावो सुखम, अनुकूल संवेदन सुखम, सुखम अनुकूल वेदन, जो आपको प्रिय लगता है उसकी अनुभूति हुई तो सुख, और प्रतिकूल वेदनम दुखम, और जो प्रतिकूल वेदन है उसको दुख कहते हैं। सुख और दुख की इतनी परिभाषा है, जो अनुकूल वेदन है उसे सुख कहते हैं, प्रतिकूल वेदन को दुख कहते हैं। वेदना माने बोध अनुभूति,
अब इसमें अनुकूल और प्रतिकूल की स्थिति आप स्वयं समझ लो। कहा भगवत भक्त दुख से मुक्त हो जाता है। कहा क्यों हो जाता है? कहा इसलिए कि उसमें प्रतिकूल वेदन होता ही नहीं। भगवत भक्त में प्रतिकूल वेदन नहीं होता, क्योंकि सारे भाव भगवान से जब जुड़ गए और जो कुछ हो रहा है सब भगवान की तरफ से ही हो रहा है, तो उसमें अहित की संभावना ही नहीं है। जहाँ अहित की कल्पना नहीं, वहाँ दुख कैसे होगा? दुख में भी सुख की अनुभूति होगी हित की कल्पना से, हित की कल्पना से। एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया है शास्त्रकारों, सटीक उदाहरण। कहा कि जैसे नारी को संतति उत्पन्न करने में जो वेदना पीड़ा होती है, और यदि उसको ये पता चल जाए कि पुत्र हुआ है, कितना सुख होता है उस पीड़ा में, उसको पीड़ा भी उसके लिए सुखद हो जाती है। क्यों? पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसके लिए उसने इतनी साधना की, तप किया, व्रत किया, देवी देवता मनाए, उसकी उपलब्धि उसे हो गई, हुई दुख के द्वारा, वो दुख उसके लिए सुखद हो जाता है। का इसी रूप से प्रिय प्राप्ति, तो संसार में कोई दुख मिला और उस दुख के पीछे यदि प्रभु कृपा का दर्शन हो जाए तो दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है, दुख भी सुखवत हो जाता है, सुखप्रद हो जाता है, दुख दुख नहीं है, क्योंकि वहां प्रतिकूल संवेदन नहीं है, अनुकूल संवेदन। भुसुंडी जी को ब्राह्मण से कौआ बन जाना पड़ा और वो प्रसन्न हो गए। कहते हैं हर्षित चले उड़ा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लीन साप में शीश चढ़ाई, नहीं कछ भय न दीनता आई। नहीं कछ भय न दीनता आई, तुरत भयो में काग तब पुनि मुनि पद सिरनाय। सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले, द्वारे मेरे प्रभु बड़ी दया किया। अरे पहले ऋषियों के आश्रम में जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था, अब उड़ करके चले जाएंगे, क्या अंतर होगा? अच्छा हो गया, सोचने की बात है। और यदि सोचते क्या कर दिया, मुझे ब्राह्मण से कौआ बना दिया, चांडाल पक्षी बना दिया, तो नहीं, ये सोचने के हर एक स्थिति में तुम सोचो और पीछे भगवत कृपा का अनुभव करो। हर एक भाव को भगवान के साथ जोड़ो। भगवान कर रहे हैं ठीक है, मेरे हित के लिए कर रहे हैं। तिन शिशु तन व्रण होई गोसाई, मात किराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, जनक न सो शिशु। बच्चे को ये बोध हो जाए कि ये ऑपरेशन से हमारा रोग जा रहा है तो रोएगा। वो उसके लिए सुखद होता है, संभावना है ना सुखद, तो अनुकूल संवेदन। अनुकूल संवेदन में सुख होता है, प्रतिकूल संवेदन में दुख होता है। भगवान कहते हैं सुखम दुखम, ये दोनों ही मेरी विभूति है। भवन्ति भावा भूतानां मत्वा प्रभुधा, विभूति सुख भी विभूति है, दुख भी विभूति है। मेरी राय है कि सृष्टि में यदि दो चीजें न होती, दो चीजें न होती तो ये सृष्टि नरक के सिवा कुछ नहीं। एक दुख और दूसरी विस्मृति। दुख न होता है, विस्मृति न होती तो सृष्टि जो है ये नरक के सिवा कुछ नहीं। मनुष्य में आनंद का केवल एक ही साधन, दो ही साधन, दुख और विस्मृति।
इससे बढ़िया और सुख के और कोई साधन नहीं है। दुख न होता तो जिस स्थिति में हम हैं उससे मुक्त होने की चाह न होती, और विस्मृति न होती तो जिस स्थिति में हम हैं उससे मुक्त होने की चाह न होती। और यदि विस्मृति न होती तो पागल हो जाए, और दुख न होता तो भी पागल हो जाए। विस्मृति न होती तो भय से पागल हो जाते, दुख न होता तो मोह से पागल हो जाते। याद करो, एक लड़का करोड़पति का, करोड़पति का लड़का, उसको अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति बनी, तो जब उसके सामने अच्छे अच्छे भोजन आते खाने के लिए तो बैठकर रोता हो खाने के लिए। हाँ, कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अभी की बात नहीं, बात ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये तारा जो यहाँ आती है, तारा कलर का, और बिले बिले बम्बई में पिछले जन्म में बम्बई में रहता और एक्सीडेंट से गया था कुछ लाने, बच्चों के लिए, चार बच्चे थे, स्त्री थी, कुछ लाने गया था, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और इस जन्म में वो करोड़पति के यहाँ पैदा हुआ और इतना बड़ा हो गया तभी रोता। जब कहता मैं भोजन करने बैठता हूँ तुरंत मेरे उन चारों बच्चों की याद आ जाती है कि वो क्या कर रहे थे, खाया नहीं जाता। ये यही जिसने मंदिर बनवाया तारा, इसका लड़का, वो लड़का यहाँ आया कई बार, आया पिछले साल भी आया। एक जन्म की स्मृति उसके पास है, क्यों एक जन्म की स्मृति की ये बात है, सोचो पहले। तो यदि सारे जन्मों की स्मृति होती तो पागल हो जाता है। पहले से बचपन से, बचपन में बहुत रोता था, जब उसको दूध पिलाते थे कुछ देते थे रोता था बहुत, नहीं लेने, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, दूध पिए। अब तो बाल बच्चे वाला हो गया है जी, दो बच्चे हैं उसके, शादी हो गई है, बड़ा हो गया है। नहीं, अब वो इसी तो नहीं है, लेकिन हाँ याद है, देखा होगा अभी, परियासा नहीं था वो जब हमारे जन्म मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का उद्घाटन में सब आए थे। अभी रामनवमी गत वर्ष, मेरे कहने का क्या है, यानी मेरे कहने का प्राय कि एक जन्म की स्मृति इतना दुखी बना रखा है, यदि सारे जन्म की स्मृति होती फिर क्या होता, पागल होने के सिवा कुछ होता। जैसे आपको किसी कारण से, जैसे हम पुराण में पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति अपने घर में श्राद्ध कर रहा था, उसका बाप मरा बैल बना था, माँ मरी कुटिया बनी थी, बाप मर करके बैल बना था, माँ मर करके कुटिया बनी थी, और लड़का श्राद्ध करने बैठा तो माँ बाप का जब आह्वान किया तो बैल तो बधा हुआ था लेकिन कुटिया खुली हुई थी। जब वो पिंड दान करके आह्वान किया, माँ का कुटिया आकर खाने लगी, जब कुटिया खाने लगी तो कुटिया को तो पता था कि मुझे बुला रहा है, तो कुटिया आकर खाने लगी, और उसकी जब आंख खुली देखा तो कुटिया खा रहे, उसने लाठी उठाया, धड़ाक दे मारा, और प्या 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 करती हुई कुटिया भगी। अब जब भगी वो तो अब वो बैल जो था, बैल भी जानता था, बैल को बड़ा दुख हुआ, कांपने लगा, तो प्या प्या करती हुई उस बैल के पास पहुँच गई, तो उसने पूछा क्या हुआ। अरे कहा क्या बताऊँ, वो मेरे को बुला रहा था, मैं गई खाने लगी, उसने उठा के लाठी मार दी।
कुटिया बैल से बात होता है। हाँ पशु योनि में जाने ऊपर से नीचे जाते हैं तो है सब पता होता है जी, कौन मेरा लड़का है कौन मेरी वही सब कुछ होता है, सारा बोध होता है। अब ये जो स्थिति है तो वो आपस में जब बात कर रहा था तो कौन सुन लिया वहाँ था, किसी ने सुना ये यानी। अब पुराण की ये कथा देखी, पुराण वाले वेद व्यास जी लिख रहे हैं पुराण में कि ये यदि अब उसको यदि मालूम होता श्राद्ध करने वाले को कि मेरा बाप बैल बना मेरी माँ कुटिया बनी है तो उसकी जिंदगी क्या होती है, सोचो भाई। इसलिए विस्मृति परमात्मा का वरदान है, विस्मृति जो है ये परमात्मा का वरदान है। और दूसरा वरदान है दुख, यदि दुख न मिले तो हम तो नरक के कीड़े बन जाए, भोग के कीड़े बन जाए, उसी में लगे रहे रातों में, उसके हम सोचे दूसरा अपने नियम हो गई। दुख मिले तो भगवान याद आओ मालिक, दुख न हो तो भगवान याद नहीं आएगा, न आत्मज्ञान की चाह होगी, फिर तो विषयों में ही नाचते रहें। ये तत्वबोध तत्वज्ञान लोक कल्याण ये दुनिया भर के जितने देवी गुण हैं ये सब किसकी देन है, दुख, दुख से भय या दुख, ये सब दुख की देन है। इसलिए दुख से बढ़कर के और मनुष्य का हितैषी कोई दूसरा नहीं, भगवान ने ये दो चीजें जो दी है वरदान मनुष्य जीव के, जीव के विकास में दैवी गुणों की प्रतिष्ठा में दुख का, दुख की संभावना न हो, ये सब जीवन नरक के सिवा कुछ नहीं, विस्मृति और दुख। कैसे होगा दुख के बिना, कैसे होगी परमात्मा, दुख के भय से होता है, नरक के भय से होता है, बदलाव के भय से होता है, ये सब दुख ही है और क्या, बिना दुख के परमात्मा की स्मृति नहीं होती। वो बचपन से ही संस्कार मिला ना, तो संस्कार को दुख के नाते दिया, बिना दुख के जब मनुष्य योनि में आए तो पिछले योनियों के दुख की अनुभूति थी और ये कई जन्मों के बाद परमात्मा की तरफ कई प्रकार के दुख सहते सहते तब परमात्मा की तरफ भक्ति बनी। यमुनाचार्य ने क्या कहा, सर्वम सहे में सहजम ही दुख, दुख भोग भोग करके तो तुम्हारी तरफ वृत्ति हुई और तुम्हारे शरण में आने पर फिर भी दुख मिले तो हमें क्या दुख पड़ता है, हम तो सहे हुए शरणागता नाम पराभव नाथ नके मेरे। कौन पहली बार कुत्ता बनना है, एक बार नहीं हजार बार कुत्ता बने, एक बार और बन जाएंगे क्या अंतर पड़ता है, लेकिन तुम्हें क्या लोग कहेंगे। यमुनाचार्य क्या कहते हैं कि तुम्हारा शरणागत हो करके भी यदि हम उसी दुख में गए तो बदनामी तेरी है, मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो अनेक बार भोगा भोग लूंगा। तो दुख और विस्मृति परमात्मा के दोनों वरदान है। यहाँ पर सुखम दुखम भव भाव भयम चा भवे चिकर ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वान देव सरितर गुणतान परासुए भद्रम तन्यासु सर्वे ओम सुखिन सर्वे संतुलामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा पश्यतुष्टवा भवे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। क्षमा सत्यम दम श्रम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता पुष्टिस्तपोदानं यशो यशः
भवन्ति भावा भूतानां मत्येव सत् विधि। प्राणियों में जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं, वे सब परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उद्भूत होते हैं। भाव को आप गुण धर्म करिए, भाव को आप वृत्तियां करिए, ये पृथक विधा, पृथक विधा का अभिप्राय दो प्रकार के, पेयर्स ऑफ अपोजिट से कहते हैं, और बहुत प्रकार के। ये सभी भाव परमात्मा के प्रकाश में ही प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं, उसी के प्रकाश में उनकी स्थिति होती है और अंततो गत्वा ये सब उसी में लीन है। बुद्धि और कुबुद्धि, ज्ञान और अज्ञान, असम्मोह और सम्मोह, क्षमा और असहिष्णुता, सत्य और असत्य, दम और श्रृंखलता, श्रम और मन की स्वतंत्रता, सुख और दुख, भाव और अभाव, भाव माने उत्पत्ति, अभाव माने विनाश, भाव माने उत्पत्ति, अभाव माने विनाश, सुख माने अनुकूल अनुभूति, दुख माने प्रतिकूल अनुभूति, अनुकूल संवेदन और प्रतिकूल संवेदन, दुख और सुख कहे जाते हैं। अनुकूल संवेदन सुख है, प्रतिकूल संवेदन दुख है। एक बात यहाँ याद रखने की है, कोई घटना, कोई पदार्थ, कोई पद, कोई अवस्था सुख और दुख में हेतु नहीं है। सुख और दुख में हेतु है मन। मन ने किसी घटना को किस प्रकार से स्वीकार किया, और जिस प्रकार से मन स्वीकार करता है वैसे मन पर उसका रिएक्शन, परिणाम होता, प्रतिक्रिया होता है। किसी दुखद घटना को भी मन अनुकूल स्वीकार कर ले तो सुख की अनुभूति होगी, किसी सुखद घटना को भी मन ने यदि प्रतिकूल स्वीकार कर लिया तो दुख की अनुभूति। सबसे बड़ी दुर्घटना जिंदगी में जो है तो मृत्यु, मृत्यु से बड़ी दुर्घटना और कुछ नहीं। कभी कभी मृत्यु सुखद हो जाती है और जीवन सबसे बड़ी अच्छी घटना है, लेकिन कभी कभी वह मनुष्य के लिए दुखद है। इसलिए सुख और दुख का संबंध मनुष्य के मानसिक अवस्था से, निश्चय करना बुद्धि का काम है, लेकिन यहाँ पर सुख और दुख जो है वो बाह्य इंद्रियों के माध्यम से जानना, ये मन का काम है। इसलिए मन एवं मनुष्याणां कार्यं, तो
ये मन है, ये अहंकार है, ये चित्त है, ये बुद्धि है, इनका निरूपण करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सब उसी की वृत्तियाँ हैं एक ही, इसलिए यहाँ पर ये बात समझाई गई कि ये बुद्धि ही समझ लो उसको प्रयोग करनी पड़ता, चित्त कहते तो नहीं पड़ता, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है कि तो इसको किस प्रकार से ग्रहण करती, किस दृष्टि से देखती है। इंग्लैंड का प्रिंस ऑफ वेल्स बहुत बड़ा जहाज सामुद्रिक बेड़ा जिसे, और जापान की लड़ाई में उसकी बड़ी भूमिका थी। जापानियों ने निश्चय किया कि इसको नष्ट करना, और वो ऐसा बना हुआ था जिसको नष्ट करना बड़ा ही कठिन काम। उसके नष्ट करने के लिए केवल एक रास्ता था, उस रास्ते से ही यदि उसमें किसी प्रकार का आघात किया जाता तो वो बेड़ा नष्ट हो सकता था, और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो रास्ता क्या था कि जो उसकी धुआं उगलने वाली चिमनी थी वही एक रास्ता। जापान की एक लड़की 20 साल, उसने प्रतिज्ञा किया कि ये काम नहीं है, कल्पना कीजिए। उस लड़की ने प्रतिज्ञा किया कि ये काम मैं करूंगी, और अस्त्र लेकर के उस चिमनी से टूट पड़ी, मृत्यु का वरण किया। लेकिन उसको ये प्रसन्नता थी, ये काम करके मैं अपने देश का बहुत बड़ा हित करूं। और अपना 20 साल के लिए कितना उत्साह रहा होगा, ये तो बहुत पुरानी घटना हो गई। अभी की देखिए, राजीव गांधी के द्वारा भेजी गई शांति सैनिक ने एक लड़की के दो भाई और बाप को मार दिया लंका, और उस लड़की ने यह प्रतिज्ञा किया कि इसका बदला मैं लूंगी उसे, और उस बदले में उस लड़की ने अपने आप को एलाइव बम बना लिया। उसे पता था कि जिसमें बम फूटेगा उसमें मैं भी मरूंगा, बिल्कुल निश्चित था, उसे जानती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अपने आप को केवल ये बदला लेने के लिए अपने भाई और बाप का एलाइव बम बना लिया, तो राजीव गांधी को आज मर गई। मेरे विचार से उसकी आत्मा को कितना संतोष हुआ हो अपने इस बदले के बदले। इसलिए कोई भी घटना दुख और सुख के मापतौल में कब आती है, जब उसके उद्देश्य के साथ संबंध है। मृत्यु से बढ़कर और कोई दुख नहीं है, लेकिन उसे हंसते हुए लोग स्वीकार करते हैं। जीवन से बढ़कर और प्रिय नहीं है, लेकिन उसको लोग हार समझते हैं। ये सब का सब किसके ऊपर अवलंबित है, मनुष्य के स्वीकृति, जैसे स्वीकृति हो उतने का। ये सुखम दुखम की जो स्थिति है यह सोचने के ऊपर अवलंबित है। दुनिया में न कुछ सुखद है न कुछ दुखद है, ये कहीं घटना एक के लिए सुखद है दूसरे के लिए दुखद है, इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। सुखद क्या है और दुखद,
संसारी देह, लेकिन सबको ने कहा कि जो कुछ भगवत संबंधित है वो सब सुख है और जो कुछ अहम संबंधित है वो सब दुख है। आज नहीं तो कल दुख मिलेगा, इसलिए गीता ने इसके लिए एक निर्णय यदाग्र विष्णु को परिणाम तत्सुखम सात्विकम योगतम आत्मबुद्धि का, जो पहले तो विषय ऐसा प्रतीत हो कि जिसका परिणाम अमृत जैसा है तो सात्विक सुख, तो आत्मा और बुद्धि के प्रसाद से मिला हुआ सात्विक सुख। तो सुख को तीन भागों में विभाग कर दिया, मानसिक सुख, मानसिक। ऐसे दुख भी तीन भागों में विभाजित किया गया, सात्विक दुख, मानसिक दुख और कामसिक। तो सुखम दुखम भव और अभाव, भव माने होना, सत्ता स्थिति उत्पत्ति, और अभाव माने विनाश। तो भव और अभव, अभाव, ये दोनों ही भगवान से ही संबंधित। मनुष्य तो अपने पुरुषार्थ से घास का तिनका भी नहीं बना सकता, किसी पदार्थ को उत्पन्न करने दूर है। भगवान के बनाए हुए पदार्थों में परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन करना, ये तो मनुष्य कर सकता है,